दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं लेकिन आपका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर कट ऑफ से कम है, तो पीएनपी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा और आसान रास्ता है जिससे कि आप अपने कैनेडियन ड्रीम को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी पीएनपी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका देसी दोस्त वैभव एंड वेलकम टू देसी चले कैनेडाज यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पीएनपी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम आखिर है क्या। दोस्तों, पीएनपी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप कैनेडा की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। कैनेडा में 10 प्रोविंसेस हैं और लगभग हर प्रोविंस का अपना एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट का फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसी तरह से कैनेडा के अलग अलग प्रोविंसेस के प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं। पीएनपी प्रोग्राम कैनेडा के प्रोविंसेस को ये ऑप्शन देता है कि वो उन इंडिविजुअल्स को वहाँ पर इमिग्रेट करने के लिए नॉमिनेट कर सकें जो वहाँ पर आकर सेटल होने में इंटरेस्टेड हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट के फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम और प्रोविंसेस के प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स में डिफरेंस ये है कि जहाँ एक तरफ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में हाईएस्ट रैंक कैंडिडेट्स को पूल में जाने के बाद ऑटोमेटिकली इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में हर प्रोविंस का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैंडिडेट्स को हर उस प्रोविंस के लिए इंडिविजुअल नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है जहाँ पर जाकर वो रहने में इंटरेस्टेड हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम उन लोगों के लिए कैनेडा इमिग्रेट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिनका CRS स्कोर कट ऑफ से कम है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीएनपी प्रोग्राम आपके CRS स्कोर को कैसे बढ़ा देता है जिससे कि आप इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्कोर 380 है और कट ऑफ स्कोर 430 है तो आपको फेडरल प्रोग्राम में इनविटेशन टू अप्लाई नहीं मिलेगा। इस केस में आपको करना ये है कि आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करिए। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में क्वालिफाई करने पर आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपका स्कोर हो जाएगा 980 और इस तरह से आपको फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम के अगले ड्रॉ में इनवाइट टू अप्लाई मिल जाएगा। अब ये समझ लेते हैं कि पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका नाम एक्सप्रेस एंट्री पूल में पहले से होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएनपी के लिए क्वालिफाई करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस जहां पर आप सेटल होने में इंटरेस्टेड हैं, ये फीस 300 कैनेडियन डॉलर से लेकर 1500 कैनेडियन डॉलर तक हो सकती है। जब आप किसी प्रोविंस के थ्रू पीएनपी नॉमिनेशन लेकर कैनेडा आते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसमें कि आपसे ये कहा जाता है कि आप कैनेडा आने के बाद उस प्रोविंस में कम से कम 2 साल तक रहेंगे। डिफरेंट पीएनपी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन विंडो साल में कई बार ओपन होती है और फिर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने के बाद वो विंडो क्लोज भी हो जाती है। ये एप्लीकेशन सबमिशन की विंडो कब ओपन होगी और इसमें कितनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी, ये सब इंफॉर्मेशन नॉर्मली कैंडिडेट्स को पहले से नहीं दी जाती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पीएनपी की एप्लीकेशन पहले से कंप्लीट हो और आप रेगुलरली ये चेक करते रहें कि एप्लीकेशंस कब एक्सेप्ट हो रही हैं। जहाँ एक और मैक्सिमम प्रोविंसेस की पीएनपी अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना होता है, वहीं दूसरी ओर ऑन्टेरियो प्रोविंस की पीएनपी के लिए आपको पहले वहाँ से इनविटेशन टू अप्लाई की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही आप ऑन्टेरियो प्रोविंस का पीएनपी के लिए फाइल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ प्रोविंसेस की पीएनपी फाइल करने के लिए आपको वहाँ के किसी एम्प्लॉयर से एक वैलिड जॉब ऑफर की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये जान लेते हैं कि पीएनपी प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी लोग कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं वो अपना अपना प्रोफाइल कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर सबमिट करते हैं। इन सभी कैंडिडेट्स को डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर एक CRS स्कोर दिया जाता है। हर 2 हफ्ते में होने वाले ड्रॉ पर जिन कैंडिडेट्स का CRS स्कोर कट ऑफ से ऊपर रहता है उन्हें फेडरल प्रोग्राम के थ्रू इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का CRS स्कोर कट ऑफ से कम रहता है उनको अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पीएनपी प्रोग्राम्स के थ्रू जाना होता है। बेस्ड ऑन वेरियस क्वालिफिकेशन फैक्टर्स कैंडिडेट्स किसी भी प्रोविंस जैसे कि न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या नोवा स्कोशिया में
पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनपी एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर प्रोविंस में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना होता है। उसके बाद उन सभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में से प्रोविंस कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इमिग्रेट करने के लिए नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही आसानी से इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है। एक बात यहाँ पर हाईलाइट करने वाली ये है कि अनलाइक सम अदर प्रोविंसेस, क्यूबेक प्रोविंस पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता और क्यूबेक प्रोविंस का अपना एक अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों, ये तो था पीएनपी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम का एक ओवरव्यू। अगर आपके इससे जुड़े कुछ और भी सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका आंसर दे सकूं। देसी चले कनाडा के आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको हर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैनेडियन इमिग्रेशन और लाइफ इन कैनेडा से जुड़ी दूसरी बातों को जानने के लिए देसी चले कनाडा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स टॉक।